नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 43 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन और ये जानना चाहते हैं कि इनका पहले से एक बिजनेस है और अब ये एक दूसरा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं दवाइयों से रिलेटेड, और या फिर रेंटेड प्रॉपर्टी इनको खरीदनी चाहिए। ये पूछना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी को पहले खरीद लें फिर उसको रेंट पर उठा दें तो क्या करना ठीक रहेगा। देखिए, हाथ में अगर हम इनके देखें तो हमें ये लंबी लंबी रेखाएं दिखाई देती हैं। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह की राहु रेखा दिखती हैं। तो जो जीवन में जिन्होंने इनको परेशान किया होगा, अगर हम देखें तो करीब 22-23 वर्ष के आसपास, और यहाँ पे देखें तो 28 वर्ष के आसपास, और अब ये देखें तो 38 से लेके 40 के आसपास, और ये कुछ बता रही है 53 के आसपास का समय। अगर हम देखें तो रेंटेड प्रॉपर्टी का ऑप्शन इनके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब ऐसी गहरी गहरी रेखाएं हों तो इंसान को जीवन में दिक्कतें भी आ जाती हैं। पर पैसा जब तक ये कमाते होंगे, बहुत अच्छा भी कमाते होंगे, लेकिन जब नुकसान आता होगा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी इनको झेलना पड़ता होगा। यहाँ पर देखें तो जैसे 38 हमने यहाँ देखा, यहाँ पर भी 38 की स्थिति बनी है, और ऐसे ही 53 की बात करें तो यहाँ पर भी एक कट है, और ये देखिए यहाँ पर ये कुछ 47-48 के आसपास भी एक कट है। ये कुछ खर्चे को इंडिकेट कर रहा है, तो हो सकता है कहीं इन्वेस्ट करें। और लेकिन जब इतनी ऐसी रेखाएं गहरी गहरी हों तो इंसान को दोबारा दूसरे बिजनेस में हार्ड सोच समझ के डालना चाहिए। दवाइयों की बात करें तो यहाँ पर अगर मंगल की देखें तो मंगल का क्षेत्र इनका काफ़ी चौड़ा है। देखिए मंगल का क्षेत्र देखिए चौड़ा हो यहाँ पर भी, तो प्रॉपर्टी इसे लाभ कराता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एक अच्छा वाइस डिसीजन रहेगा इनके लिए, और प्रॉपर्टी से इनको फ़ायदा भी होगा कि प्रॉपर्टी खरीद लो फिर उसके बाद रेंट पे दे दें। और यहाँ पर थोड़ा सा दबाव है मंगल का, जैसे कि कहना चाहिए कि कई बार होता है कि मंगल थोड़ा सा फ्लैट है, तो इसके लिए इनको उपाय करने चाहिए, जैसे कि हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद लगाएं हर ट्यूज़डे और मंगल का जाप करें, तो जाप इनको सेंड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दवाइयों की। दवाइयों के बिजनेस के बारे में कहें तो जो बिजनेस की लाइन इनके हाथ में अच्छी है, देखिए देखिए यहाँ पर ये बिजनेस की रेखा इस तरह से चल रही है और ये रेखा इस तरह से चलती हुई जा रही है, एक और बिजनेस की ओर इशारा भी कर रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो बिजनेस है देखा जाए, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा हल्का हो रहा है, और ये रेखाएं जब कट मार रही हैं तो ये कहीं ना कहीं इनको परेशान करेंगी, क्योंकि बिज़नेस शुरू कर लिया, बिज़नेस में उतना मुनाफा नहीं हो रहा, या थोड़े समय मुनाफा हुआ फिर आपको उस बिज़नेस को बंद करना पड़ा, कुछ इस तरह की चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ेंगी। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये कुछ चेंज भी दिख रहा है, तो ऐसे में ये चीज़ दिखाई देती है। अब अगर देखें तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रेंट कमाने का ऑप्शन ज़्यादा बेटर है उस दवाइयों के काम में पैसा लगाने के बजाय। और यहाँ पर देखिए जैसे हमने देखा कि एक नुकसान की रेखा भी दिखती है, यहाँ पर भी राहु रेखा का समय दिखता है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा इनको अलर्ट करती हैं कि बिजनेस में लॉस भी हो सकता है लेकिन प्रॉपर्टी में लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं, तो प्रॉपर्टी का ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि मंगल इनका काफ़ी अच्छा साथ दे रहा है। अब ये तो इनके क्वेश्चन का आंसर हुआ। आगे अगर हम देखें जीवन इनका कैसा रहेगा वो हम इनके एनालिसिस के थ्रू देखेंगे। हाथ में देखें तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा ब्राउन कलर का हाथ है, ब्राउन में थोड़ा सा पिंक टाइप लिया हुआ ब्राउन हाथ है। ऐसे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, अपने बलबूते पर अपनी समझदारी से इंडिपेंडेंटली अपने बिजनेस को या अपने प्रोफेशन को खड़ा करते हैं, अपने आप को जीवन में एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा लेते हैं। इनके चक्रों के हाथ, इनके हाथ में जब हमने चक्र देखे बहुत अच्छे चक्र हैं, काफ़ी बढ़िया चक्र हैं, वो हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखें हाथ इनका, ये देखिए अच्छा खासा रेक्टेंगुलर पाम है। ऐसे लोग मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पे पाते हैं। इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ जीवन में आसानी से नहीं आती, काफ़ी कुछ मेहनत करते हैं तब जाके चीज़ें इनके पास आती हैं, उस मेहनत को अपनी समझदारी से यूज़ करके ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। हाथ में देखें इनके तो एम का चिन्ह बड़ा क्लियर बना हुआ है, ये देखिए बड़ा क्लियर एम का चिन्ह है। देखिए एम का चिन्ह हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा से बनता है, और जब ये चारों रेखा स्वच्छ होती हैं, साफ स्वच्छ होती हैं, तभी इनका अच्छा फल मिलता है, और एम का चिन्ह भरपूर फल देता है। और देखिए क्या होता है कि जब हमारा दिल खुश है, मस्तिष्क खुश है और हमारा काम अच्छा चल रहा है, इनकम बढ़िया है, तो हमारा जीवन भी अपने आप संवर जाता है, तो इसलिए एम का चिन्ह बड़ा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ पर अगर हम हाथ में देखें इनके
तो ये देखिए इस तरह से ये जगह बंद है। ट्रायंगल को देखा जाए तो अच्छा खासा ट्रायंगल है, काफ़ी अच्छा पैसा जीवन में जोड़ लेंगे, धन की तिजोरी भी अच्छी खासी है। और ट्रायंगल का शेप देखें तो काफ़ी बढ़िया स्ट्रांग ट्रायंगल है, रुपए पैसे की दिक्कत जीवन में नहीं आएगी, एसेट्स बढ़िया बना लेंगे। देखिए कभी भी हम किसी के एसेट्स को अगर हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी कितनी बनाएगा, प्रॉपर्टी कितनी अच्छी बनेगी नहीं बनेगी, तो ये सब चीज़ें धन की तिजोरी से, इस ट्रायंगल से, इन सब चीज़ों से आइडिया लगता है कि इंसान कितना जीवन में ग्रोथ पाएगा। अब हाथ में देखते हैं इनके माउंट्स भी देखें तो चंद्र बहुत बढ़िया है, शुक्र बहुत अच्छा है, गुरु अच्छा है, और एक ये देखें बुध भी अच्छा है, मंगल पर्वत भी इनके बढ़िया हैं। तो इस तरह से इनका काफ़ी बढ़िया हाथ है इनका, और अच्छा मासल हाथ है। अब हाथ में चलते हैं देखिए, जीवन का ग्राफ देखें तो जीवन का ग्राफ कुछ इस तरह से चल रहा है, यानी कि एक बार जो गाड़ी ने रेस पकड़ी तो वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, आगे जीवन में बढ़ते जाएंगे। ज़्यादातर बिजनेसमैन के हाथ में ये रेखा एकदम सीधी जाती है, ये जो लाइन है ये सीधा ग्राफ सीधा बनता है। अब चलिए हाथ में देखते हैं उंगलियों और चक्रों की ओर कि क्या कहते हैं इनके है फिंगरप्रिंट्स और उंगलियाँ। यहाँ पर देखें तो ये उंगली एकदम सीधी खड़ी हुई है, गुरु की फिंगर जब भी सीधी होती है, ऐसे में इंसान अपने जीवन में ये कहिए कि काम को काफ़ी प्राथमिकता देता है, बहुत एक तरह से उनके अंदर काम करने की बड़ी लगन होती है, खाली नहीं बैठ पाते हैं, और हर काम की अपनी नॉलेज बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर देखें तो उंगलियों में ये इस तरह के बने हुए हैं, ये रिंग्स जो हैं बीच की इस तरह से बनी हुई है। ऐसे में इंसान अपने जीवन में काफ़ी ठोकरें भी खाता है और ठोकर खा के काफ़ी कुछ सीख जाता है, एक तरह से काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान होते हैं ये। तो ऐसे में इंसान कोई फालतू बात नहीं करते हैं, एक तरह से कहना चाहिए कि लूज टॉक्स नहीं करते हैं ऐसे लोग, बहुत काम की बात करना, बारीक ऑब्जर्वेशन होना, सोच समझ के बात करना, सोच समझ के एनालाइज करना चीज़ों को, और काम भी बहुत सोच समझ के करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ खेल में कर ली या मज़े लेने के लिए करी, ऐसा नहीं होता, बहुत सीरियस होते हैं चीज़ों को लेकर। यहाँ पर देखें उनकी उंगली में तो गुरु की फिंगर इनकी थोड़ी सी लंबी है, अगर हम इस चीज़ को देखें, गुरु की फिंगर थोड़ी सी लंबी है। तो ऐसे में इंसान अपने जीवन में लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी होती है, टीम वर्क बना के काम करना, अपने जो नीचे अपने से जो नीचे के लोग हैं उनसे अच्छे से काम लेना, इनको भरपूर आता है। यहाँ पर एक इस तरह की लाइन हमें दिखाई देती है, जब भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो इंसान के जीवन में मुश्किलें भी आती हैं, और इंसान लेकिन अपनी समझदारी से उन मुश्किलों को पार पाता है। और लेकिन क्या होता है कि कोई भी काम करने जाते होंगे, कदम कदम पे मुसीबतों का सामना इन्हें करना पड़ता होगा। यहाँ पर देखें सूर्य की फिंगर पर भी ऐसा ही हमें कट दिखता है कि कई बार होता काम इन्होंने करा, नाम किसी और का हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ती हैं। पर यहाँ पर देखिए हाथ में ये अच्छी जो जितनी भी ये वर्टिकल लाइंस हैं ये सोशल सर्कल अच्छा बनाती हैं, लोगों में जान पहचान होना, नेम फेम पाना, और साथ में होता है दूर दूर तक एक अच्छा मान सम्मान रुतबा बना लेना, तो सोशल सर्कल इनका अच्छा खासा इनका होगा। अब आते हैं हाथ में फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा एक चक्र का निशान है, ये देखिए बड़ा अच्छा चक्र का निशान है। जब भी ऐसा चक्र का निशान होता है और गोल चक्र होता है, देखिए हर चक्र का अलग मीनिंग होता है, गोल चक्र होगा तो अलग मीनिंग देगा, लंबा चक्र होगा तो अलग मीनिंग देगा। कई बार हाथ में इस तरह के चक्र भी होते हैं, ये देखिए कई बार हाथ में होता है कि आपने देखा चक्र ऐसे भी होते हैं, ऐसे चक्र भी पाए जाते हैं, कई बार ऐसे चक्र होते हैं, इस डायरेक्शन के चक्र होते हैं, कई बार ऐसे चक्र होते हैं, तो डिपेंड करता है इसकी चक्र का मुंह कहाँ है। गोल चक्र है, गोल चक्र सबसे अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर इस हाथ में गोल चक्र है, अपने फील्ड की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, पकड़ बहुत बढ़िया होती है इनकी, और जीवन में अपनी नॉलेज को बार बार अपडेट करना, हर चीज़ का एक तरह से एक्टिव रहना, अब क्या नया चल रहा है, क्या नया पॉसिबल हो सकता है, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पर देखें तो ये भी चक्र बना हुआ है, गोल चक्र है शनि की फिंगर पर, जब भी कोई मुसीबत आती होगी, परेशानी आती होगी, उससे ही अपने आप को अच्छे से निकाल लेते होंगे, और चाहे भले ही थोड़ा सा दिक्कतें होती होंगी लेकिन बड़ी समझदारी सूझबूझ से अपने अकेले बलबूते पे बाहर निकल आते होंगे, और बहुत हिम्मत के साथ ये अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेते होंगे। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमें एक चक्र दिखता है, ये देखिए सूर्य के
सूर्य के फिंगर पर जब भी चक्र होता है, कहीं ना कहीं ऐसे लोग जीवन में बहुत तरक्की पाते हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। और जब भी मैंने ऐसा चक्र सूर्य की फिंगर पे हाथ में देखा है, तो इंसान अपने जीवन में काफ़ी अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचता है, बहुत ज़्यादा राइज करता है, अपने परिवार का नाम रोशन करता है। क्या कहते हैं कि अपने पिता के नाम रोशन करते हैं ऐसे लोग। अब आते हैं हाथ में यहाँ पर बुद्ध की फिंगर की ओर। बुद्ध की फिंगर पर भी हमें एक चक्र का निशान दिखता है। देखिए इनके अभी तक चारों उंगलियों में चक्र के निशान है, और ये लंबा वाला चक्र है, ये देखिए इस तरह के, ये देखिए इस तरह का थोड़ा लंबा पॉइंटेड चक्र है, और फिंगर्स में गोल चक्र थे, लंबा चक्र है। तो जब भी ऐसा लंबा चक्र होता है, इंसान अपने जीवन में रुपए पैसे को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक स्पेसिफिक होता है, अब ये करना है, अब यहाँ इन्वेस्ट करना है, अब यहाँ ये नहीं करना चाहिए, हर चीज़ की पूरी नॉलेज रखते हैं। शेयर मार्केट हो, स्टॉक्स हो, इनको बहुत अच्छी नॉलेज भी होगी, अगर ये करते होंगे तो इसमें अच्छा पैसा भी कमाते होंगे। तो इस तरह का फाइनेंशियल में पैसा से पैसा कैसे बनाया जाए, पैसे को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस तरह इस चीज़ की नॉलेज इनकी बहुत बढ़िया होगी। ऐसे में ये अगर किसी को सलाह भी देते होंगे, बहुत बढ़िया सलाह देते होंगे, लोग इनसे अच्छी अच्छी सलाह लेने भी आते होंगे। और यहाँ पर देखते हैं अंगूठे की ओर चलते हैं, इनका अंगूठा क्या कहता है। अभी हमने चारों फिंगर्स में हमने चक्र देखा है, अब आते हैं इनके अंगूठे की ओर। इनके अंगूठे में देखें तो यहाँ पर हमें डबल लूप दिखता है, इस तरह का डबल लूप है। ऐसे में जब भी डबल लूप होता है, इंसान अपने जीवन में कभी कभी गोल घुमाव भी देखता है, यानी कि जहाँ से शुरू हुए फिर दोबारा एक यू टर्न मारना, इस तरह की चीज़ इनके, इस तरह की चीज़ें ऐसे लोग फेस करते हैं। कभी कभी बिल्कुल होता है कि बिल्कुल खाली हो जाते हैं एकदम, कि आज हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ लूट गया, लेकिन फिर दोबारा से गाड़ी दौड़ाते हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि फिर से जीवन में वापस उसी मुकाम पर अपने आप को पहुँचा ही लेते हैं, तो एक अच्छे ऊँचे मुकाम पर पहुँचा देते हैं। यहाँ पर देखिए छोटी छोटी रेखाएँ बाधा की रेखा लगती हैं, कि जैसे कोई काम करने निकले, प्लानिंग बनाया, फिर सुबह अगले दिन सोचा कि अरे नहीं छोड़ो फिर कभी करेंगे, या किसी ने आके काम बिगाड़ दिया, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। यहाँ पर यव का चिन्ह हमें इनके हाथ में दिखता है, ये बड़ा अच्छा यव का चिन्ह है, ये इनको मिडिल एज में बहुत पैसा कमाएगा। यानी मिडिल एज यानी कि जैसे होता है 35 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक इंसान बहुत पैसा कमाता है, और यानी कि रिटायरमेंट की एज पर जब वो अपने आप को देखता है तो उसको ये महसूस होता है कि जब मैं 20 या 25 वर्ष का था तो मेरे पास, या आज से 20-30 साल पहले मेरे पास क्या था, तो उस हिसाब से इनके पास कई गुना ये आगे बढ़ चुके होते हैं। अगर वन फर्स्ट लेवल पे इंसान होता है तो 4th 5th लेवल तक पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पर देखें तो लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र भी इनका काफ़ी बढ़िया है, और विल पावर भी अच्छी खासी है। तो ये देखा जाए तो दोनों चीज़ें इनके हाथ में अंगूठे में बड़ी बैलेंस्ड हैं। अब राइट हैंड में हमने देखे थे 4 चक्र, अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड में कितने चक्र हैं इनके हाथ में। लेफ्ट हैंड में देखिए गोल वाले चक्र हैं, देखिए ये गोल वाले चक्र इनके हाथ में हैं, ये भी गुरु की फिंगर पर है। ऐसे ही यहाँ पर एक लंबा वाला चक्र है, ये देखिए ये इनके राइट जो मिडिल फिंगर में इनके हाथ में दिखता है। ऐसे ही ये चक्र भी, लंबा चक्र भी दिखता है, यानी कि 3 चक्र हमें एकदम देखने को मिले। चक्र के फल देखिए बहुत बढ़िया फल होते हैं, हाथ में इंसान को एक तरह से काफ़ी राजाओं जैसी ज़िंदगी जीने पर ये लोग ले आते हैं, ये चक्र बहुत बढ़िया माने जाते हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ पर बुद्ध की फिंगर पर गोल वाला चक्र है, ये देखिए बढ़िया गोल वाला चक्र है, यानी कि चारों उंगलियों में चक्र यहाँ भी दिख रहे हैं, चारों उंगलियों में वहाँ भी चक्र दिख रहे हैं। तो अभी तक हमें 8 चक्र दिखे, फल चक्रों का जैसे उस हाथ में था वही सेम फल इसे हाथ में मिलेगा। और अब हम चलते हैं अंगूठे की ओर, देखें अंगूठे में कौन सा निशान है। अंगूठे पर देखें तो यहाँ पर डबल लूप है, ये देखिए अंगूठे पर भी ये इस तरह का डबल लूप चल रहा है। तो देखिए मैं जैसे हमने बताया कि जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आना, एक दोबारा से चीज़ों को शुरू कर लेना, गिर के अपने आप को संभाल लेना और फिर से जीवन में आगे बढ़ना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। तो अगर हम पूरे हाथ में 10 उंगलियों का समावेश निकालें तो 10 उंगलियों में से 8 उंगलियों में चक्र है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा माना जाता है। चक्र शुभ होते हैं और इंसान को बहुत भाग्यशाली बनाते हैं, इंसान को जीवन में बहुत तरक्की दिलाते हैं, इंसान अपने रिश्तेदारों में, जान पहचान वालों में बहुत नेम फेम पाता है, अपने आप को एक तरह से बहुत अच्छे तरक्की के मुकाम पर पाता है। लोग भी एक तरह से पीठ पीछे कहते हैं, देखो अरे वाह इन्होंने कितनी तरक्की कर ली, अरे वाह ये तो जीवन में कितने आगे बढ़ गए। और इनके पास आज से अगर देखा जाए तो कुछ साल पहले तक बहुत कुछ भी नहीं रहा होगा, बहुत एक मीडियम लेवल पर रहे होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनके माउंट्स क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर देखें गुरु पर्वत
बड़ा है, काफ़ी अच्छा बड़ा गुरु पर्वत है। और यहाँ पर गुरु पर्वत पर देखिए, एक तो हमें ट्रायंगल दिखता है और एक हमें स्क्वायर इस टाइप का दिखाई देता है। जब भी ऐसा ट्रायंगल और स्क्वायर होता है, इंसान अपने जीवन में ये कहिए अपने फील्ड में तो नॉलेज तो अच्छी होती ही है, साथ में कहीं ना कहीं इनको लाभ बहुत मिलते हैं। जैसे कि एक तरह सरकारी लाभ मिलना है, सरकार से कोई किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। या फिर ऐसे लोगों का साथ में ये कहिए कि एक अचानक से धन लाभ के योग बहुत बनते हैं, कि जैसे होता है कभी कभी आप बिल्कुल परेशान बैठे हैं, कुछ भी हाथ में नहीं है, लेकिन अचानक से चीज़ों का बनते चले जाना, तो इस तरह की चीज़ें भी इनके हाथ में देखी जा सकती हैं। थोड़ा सा शनि पर्वत अगर हम देखें, थोड़ा सा दबा हुआ है इस समय, तो मन में कोई ना कोई परेशानी इनके ज़रूर चल रही होगी, कोई ना कोई दिक्कत जीवन में फेस कर रहे होंगे। अब यह होता है कि मेंटल टेंशन है, मेंटली परेशान होना, इस तरह की दिक्कत देखना। यहाँ पर देखें तो इनके हाथ में ये इस तरह का चिन्ह ये बन रहा है। जब भी ऐसा त्रिशूल बनता है, इंसान जीवन में हमने बताया बहुत तरक्की पाता है और रुपये पैसे की दिक्कत नहीं होती, इंसान जीवन में उस पैसे को बढ़ाता रहता है, ग्रोथ करता रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका पैसा भी ग्रो करता रहता है। अब आते हैं हाथ में, यहाँ पर ये देखिए, ये भाग्य रेखा भी इनकी देखें तो यहाँ तक चल रही है इस तरह से, और यहाँ पर हमने त्रिशूल भी देखा था, तो ये बहुत एक कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी दिखाता है। सूर्य पर्वत पर आए तो सूर्य पर्वत भी इनका थोड़ा सा दबा हुआ है, आंखों का चश्मा या पिता से मतभेद, दूरी या पिता का स्वास्थ्य खराब, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए इस तरह से ये रेखाएं इनको बहुत अच्छा फल देंगी। अगर हम देखें तो 45 के बाद इनको काफ़ी नेम फेम बेनिफिट चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अब अगर हम हाथ में देखें, यहाँ पर ये देखिए इस तरह से रेखाएं बन रही हैं, तो बिजनेस माइंडेड बनाती हैं, बिजनेस में अच्छा एक तरह से प्रॉस्पेक्ट देती हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग हमदर्दी भरे स्वभाव के होते हैं, दूसरों को बहुत प्यार मान सम्मान देना, अच्छे से बात करना इनकी आदत होती है, और दूसरों का दुख दर्द को काफ़ी बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से रेखा चल रही है, देखिए अच्छी सलाह भी देते हैं, अच्छे सलाहकार भी होते हैं, और बिजनेस की रेखा भी इनके हाथ में बहुत बढ़िया है। आगे जाके जीवन में लगता है इनका हाथ देखकर कि और भी कोई बिजनेस शुरू करने की इच्छा रखते हैं, चाहे भले ही ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, चाहे अभी ये दवाइयों का काम करना चाहें, लेकिन उसके बावजूद और भी कई बिजनेस ये करेंगे जीवन में। यहाँ पर देखें मंगल पर्वत अच्छा खासा है, जैसे इनको बोल्ड बनाता है, रिस्क टेकर बनाता है, थोड़ा सा बीच में से ये दबाव है और एक क्रीज सी आ रही है, तो इनको थोड़ा सा कोर्ट कचहरी या इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। एक यहाँ खड़ी रेखा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये थोड़ा सा दिक्कत कभी जीवन में दे सकती है। अब हाथ में देखें तो यहाँ पर इसको जैसे हमने उपाय बताया था, हनुमान जी के मंदिर हर ट्यूजडे को जाना चाहिए, तो इससे मंगल पर्वत को बल मिलेगा और साथ में इनको प्रॉपर्टी जो है जीवन में प्रॉपर्टीज का सुख बहुत बढ़िया मिलेगा। यहाँ पर देखें तो ये एक इस तरह का अच्छा खासा प्रॉपर्टी के लिए भी स्क्वायर बना हुआ है। अब यहाँ पर देखें चंद्र पर्वत काफ़ी बढ़िया है, तो ऐसे में चंद्र पर्वत देखिए इंसान को इमोशनल भी बनाता है और कई बार विदेशों से व्यापार की भी उम्मीद मिलती है। देखिए यहाँ से भाग्य रेखा से एक रेखा जुड़ रही है, विदेशों से व्यापार मिलना या विदेशी क्लाइंट मिलना या दूर दूर से क्लाइंट्स मिलना, इस तरह से इनको फ़ायदा भी जीवन में करवा सकती है। और ये देखिए यात्रा की रेखा भी जीवन में अच्छी खासी बन रही है। और ये देखिए यहाँ पर चंद्र पर्वत पर देखें तो लाइन ऑफ डिज़ायर्स बाया लाजवी ये बहुत अच्छी बन रही है। और ये देखिए जीवन में आगे काफ़ी घूमने फिरने के चांस हैं, विदेश यात्रा करने के भी योग बनते हैं। अब आते हैं हाथ में यहाँ पर शुक्र पर्वत की ओर। शुक्र पर्वत देखें अच्छा खासा शुक्र है, काफ़ी अच्छा घेराव है, तो जीवन में ऐसे लोग काफ़ी अच्छी लाइफ जीते हैं। थोड़ा सा अगर हम देखें ये देखिए यहाँ पर लाइन ऑफ लग्जरी तो है लेकिन ये थोड़ा सा फ्लैट है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जीवन में थोड़ा सा उत्साह की कमी होना, थोड़ा सा होता है कि मन में खुशी ना होना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। परंतु ये जब इतना गोल घुमाव लिए हुए होता है पर्वत, तो इंसान जीवन में अच्छी ज़िंदगी जीता ही जीता है, उसके पास एक तरह से सुख सुविधा के हर साधन वो जीवन में जुटा लेता है। और यहाँ पर देखें तो ये एक ट्रायंगल का निशान भी है, तो कई बार होता है कि इंसान को किसी लेडी से भी बड़ा लाभ मिलता है जीवन में, लेडी से लाभ मिलना, लेडी से फ़ायदा होना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। अब आते हैं हाथ में इनके अंदरूनी मंगल की ओर। अंदरूनी मंगल देखें तो अंदरूनी मंगल भी अच्छा खासा फ्लफी है, अंदर से काफ़ी बोल्ड इनको बनाता है।
अब आते हैं हाथ में यहाँ पे रेखाओं की ओर। यहाँ पे देखें तो ये देखिए इस तरह से रेखाएं चल रही हैं। तो यहाँ पर ये, और देखिए ये एक तरक्की की रेखा, प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आ रही है। तो ऐसा लगता है 25वें वर्ष में काफ़ी अच्छा इनको फायदा हुआ होगा, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलना, जीवन में तरक्की के योग बनना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। और भी समय समय पर तरक्की के योग बनते रहे होंगे। अगर हम देखें तो 40 वर्ष के आसपास भी कोई तरक्की के योग इनके बने होंगे। और अगर हम देखें थोड़ा सा लाइन मोटी है, देखिए थोड़ा सा लाइन जब मोटी होती है तो इंसान में थोड़ा एनर्जी की कमी या पेट की गड़बड़ी, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर देखें, और बाकी अगर जीवन की बात करें तो अच्छा साफ स्वच्छ जीवन है। यहाँ पर एक राहु रेखा ने 53 के आसपास काटा है, तो उसके लिए इनको राहु का जाप करना चाहिए, या एक तरह से कुत्ते को रोटी खिलाना, मूंग की हरी मूंग की दाल का दान करना, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। अब आते हैं भाग्य रेखा की ओर, देखें भाग्य रेखा क्या कहती है। भाग्य रेखा देखिए अच्छी साफ स्वच्छ भाग्य रेखा है, ये देखिए इस तरह से चल रही है ये, और ये इस तरह से आके जोड़ रही है। और यहाँ पर एक रेखा जो ये देखिए, यहाँ पर एक रेखा ऐसे आके घूम रही है, तो कई बार तो ससुराल पक्ष से लाभ या प्रॉपर्टी से लाभ इंसान को मिलता है। और ये देखिए ये रेखा जब इस तरह से कट कर रही है ये, तो ऐसा लग रहा है कि जीवन में 18 वर्ष के आसपास इनको दिक्कतें आई होंगी। साथ में अगर हम देखें तो 28 वर्ष के आसपास, फिर 38 वर्ष के आसपास, फिर यहाँ पर दिखता है 47 वर्ष के आसपास, 46-47 के आसपास भी दिक्कत दिखती है। तो इसलिए बिजनेस थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, हमारी ये राय है। और यहाँ पर देखें मस्तिष्क रेखा को, तो मस्तिष्क रेखा ये देखिए इस तरह से जा रही है, यानी कि जीवन में इनके शुरुआती दौर में काफ़ी दिक्कतें, मेंटल टेंशन दिखाई देती है, काफ़ी परेशानियां हैं रही होंगी, जो दिमाग पर काफ़ी स्ट्रेस रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी, अगर हम देखें तो 45 के आसपास से टाइम पीरियड से चीज़ें काफ़ी इनकी स्मूथ होने लगी। देखिए मस्तिष्क रेखा एकदम साफ स्वच्छ चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब अगर हम हाथ में देखें यहाँ पर हृदय रेखा को, तो हृदय रेखा इस प्रकार से, ऐसे लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ऐसे लोग जीवन में, अब अगर हाथ में देखें तो हृदय रेखा इनकी ऐसे जा रही है, लोगों की मदद करना, लोगों के लिए एक तरह से काफी कुछ करना इनकी आदत होगी, लेकिन उसके बदले में इनको ताने भी सुनने को मिलते होंगे। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह की हृदय रेखा, खुरदुरी सी हृदय रेखा है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा इनको जैसे ब्लड प्रेशर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कभी भी ये देखिए यहाँ से रेखा थोड़ी और खुरदुरी हो रही है, तो ये समय है थोड़ा सा 40 से 45 के आसपास का, तो थोड़ा ब्लड प्रेशर पर ध्यान दें। अब अगर हाथ में इनका देखें तो यहाँ पर भी एक स्क्वायर दिखता है, ये देखिए बड़ा अच्छा स्क्वायर है, भाग्य रेखा को बल मिल रहा है। और एक चीज़ और दिखती है कि जैसे ये 46 के आसपास क्रॉस करेंगे तो ये कुछ रेखा दो में बदल रही है, यानी कि दो इनकम के योग भी इनके जीवन में बनने लगेंगे, दो चीज़ों की शुरुआत हो जाना, दो इनकम के योग बना लेना। अब हाथ में आते हैं इनके लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड क्या कहता है। ये राइट हैंड का एनालिसिस पूरा हुआ। एक चीज़ और थी साथ में, देखी ये देखिए छोटा सा फिश का साइन हमें यहाँ दिखाई पड़ता है, तो ये फिश का साइन ऊपर की ओर इसका मुंह है, तो ये इनको ज़रूर फ़ायदा कराएगा। हो सकता है कि दूर देशों से या दूर दूर के क्लाइंट्स इनको मिले, दूर से यानी कि एक होता है कि दूर दूर के क्लाइंट से लाभ होना, दूर देशों के कोई विदेशी क्लाइंट से लाभ होना, इस तरह की चीज़ें भी इनकम के स्रोत या लाभ के स्रोत होता है कि विदेश जाके पैसा कमा के लाना या विदेश से क्लाइंट लेकर आना, इस तरह की चीज़ें भी हाथ में दिखती हैं। या कई बार इंडिया में ही रह के आपको कोई ऐसी पर्सन से आपको लाभ मिल रहा है जो विदेश से आपको बिजनेस ला के दे रहा है। तो अब देखते हैं लेफ्ट हैंड क्या कहता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड इनका अगर हम देखें तो यहाँ पर पर्वतों की बात करें तो लेफ्ट हैंड में भी पर्वत अच्छे हैं। देखिए शुक्र भी अच्छा है, चंद्र भी अच्छा है इनका, बुध भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है। और यहाँ पर ये देखिए कितना बड़ा ये इस प्रकार का मछली का चिन्ह भी बन रहा है। और यहाँ पर देखिए ये बताती है मस्तिष्क रेखा का नीचे की ओर ढलना, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत जीवन में आई होगी, 35 से 38 के आसपास जीवन में बड़ी दिक्कत दिखा रहा है। और अगर हम देखें हाथ में तो ये भी एक बड़ी
कैडी राहु रेखा यहाँ पर दिखाई पड़ती है। बड़ा कहकट, कोई इमोशनल ब्रेकअप कुछ इस तरह का, या किसी से बड़ा धोखा मिलना, तो ये दिखता है करीब 30-32 के आसपास का समय दिखाता है। और हाथ में देखें तो देखिए, लेफ्ट हैंड वो होता है जो हम परवरिश हमें हमारे माता पिता से मिलती है, जो रखरखाव माता पिता से मिलता है, और राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम खुद बनाते हैं। अगर हम इनके दोनों हैंड की कंपैरिजन करें तो यहाँ के कंपैरेटिवली देखिए, यहाँ पर काफ़ी कट है, ये देखिए ऐसे कट होना, बार बार कट होना, ये देखिए यहाँ पे भी क्रॉसेस से कट, क्रॉसेस से आ रहे हैं इस तरह के, ये क्रॉसेस से आना, तो लेकिन लेफ्ट हैंड राइट हैंड काफ़ी ज़्यादा साफ है, राइट हैंड में इस प्रकार के कट्स नहीं है, और बिजनेस की रेखा भी एकदम साफ अच्छी दिखाई दे रही थी। और अगर हम देखें तो हाथ में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ऐसा नहीं था, और चंद्र पर्वत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, मंगल भी बहुत बढ़िया था, यहाँ के कंपैरेटिवली जो माउंट्स हैं वो बहुत बेटर थे। तो राइट हैंड ज़्यादा बेटर है, जीवन में बहुत तरक्की कराएगा, अपने परिवार का नाम रोशन करना, अपने पिता का नाम रोशन करना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। अभी अगर इनके जीवन में देखा जाए, पिछला जितना इन्होंने किया है उससे कहीं ज़्यादा आगे भी ये जीवन में करेंगे। जैसे ही इनका 46 क्रॉस होगा, इनके पास जीवन में काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और जीवन में काफ़ी पैसा ये बढ़िया कमा पाएंगे, काफ़ी जीवन में तरक्की पाएंगे। अगर हम इनके हैंड का ओवरऑल समावेश निकालें, काफ़ी लकी पाम है, बहुत जीवन में तरक्की करवाई भी होगी और आगे भी करवाएगा। पिछला समय थोड़ा सा कई बार मुश्किलें आई होंगी, लेकिन ये अपनी समझदारी होशियारी से अपने आप को उठा लेते होंगे और आगे भी जीवन में उठाते चले आएंगे, और जीवन में हर प्रकार का सुख सुविधा का साधन इनको मिलेगा। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। हम प्रार्थना करते हैं कि इनके साथ जीवन में सब अच्छा हो और आगे जीवन में काफ़ी तरक्की पाए। नमस्कार।